सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लेके आए हैं बहुत ही जबरदस्त वीडियो। तो बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं उनकी गाड़ियों में भाई वीडियोस बजती रहे, यूट्यूब चले, नेटफ्लिक्स चले, पर वो चाहते नहीं कि अपना एंड्रॉइड जो है वो स्टीरियो चेंज करे। तो आज हम आपके लिए एक परफेक्ट जुगाड़ लेके आए हैं जिससे आपका जो कंपनी फिटेड स्टीरियो है, जैसे आप देख सकते हो सेल्टॉस में आता है, तो वीडियो जो है वो रहने वाली है। हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं एंड दोनों प्रोडक्ट्स में क्या है कि जैसे मेरी सेल्टॉस के अंदर जो इसमें एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो चलता है वो दोनों वायर्ड हैं। तो पहला डिवाइस जो हम आपको दिखाने वाले हैं उससे ये जो वायर्ड वाली चीज है ये हट जाएगी एंड आप सीमलेसली अपना जो फोन है एंड्रॉइड ऑटो हो या एप्पल कारप्ले हो वो आप जो है वायरलेसली जो है वो कनेक्ट कर सकते हो अपने से। एंड जो दूसरा प्रोडक्ट है उसमें हम आपको दिखाने वाले हैं कि आपका वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो भी चलेगा, कारप्ले भी चलेगा एंड उसके अंदर आपको मिलेगा यूट्यूब और नेटफ्लिक्स। और ये जो दोनों डिवाइसेज हैं ये बिल्कुल प्लग इन प्ले रहने वाले हैं, तो आपको कोई एंड्रॉइड स्टीरियो लगवाने की जरूरत नहीं है कि 20-25 हजार रुपए देके आप एंड्रॉइड स्टीरियो लगवाओ, उसका पैनल चेंज करवाओ, कंपनी की दी हुई चीज से छेड़छाड़ करो, उसकी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो आपको अब एक एक करके डिवाइसेज दिखाते हैं पहले। और शुभम इसमें एक चीज और ये भी बता कि जो हमारे एंड्रॉइड बॉक्स चल रहे हैं आजकल उससे बेटर ये कैसे है और वो क्यों नहीं लगाना चाहिए और ये लगा के भी हम अपना काम चला सकते हैं। तो बहुत लोगों ने सुना होगा कि आजकल एंड्रॉइड बॉक्सेस भी आते हैं, वो भी प्लग इन प्ले रहते हैं और उससे पूरा जो आपका स्टीरियो है वो एंड्रॉइड की तरह चलने लग जाता है। बट अभी रिसेंटली जैसे हमने भी बहुत दुकानों पे पूछा तो उन सबका यही कहना है कि जो कस्टमर्स हैं वो बहुत ज्यादा अपनी इश्यूज लेके आते हैं, उसमें काफी इश्यूज आ रहे हैं, कभी कभी कनेक्शन नहीं होता, कभी किसी ऐप जो वो क्रैश होती रहती है। तो वो चीज मेरे को ऐसा लगी नहीं कि आप इतना इन्वेस्ट भी करो और 25,000 या 20,000 के आसपास का जो आपका एंड्रॉइड बॉक्स जो है वो रहता है अराउंड। तो और उसके हाफ प्राइस में आपको ये डिवाइस मिल जाएगा, वो हम एग्जैक्ट प्राइसिंग की बात वीडियो में एंड में करेंगे, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास प्रोडक्ट है तो वो रहने वाला है हमारा ये ऑटोकास्ट का ये CPA 300 मॉडल है। तो ये वाला जो मॉडल है इसके अंदर आपको YouTube और Netflix नहीं मिलेगा, बट जो ऐसे लोग हैं जैसे मेरी कार है, हमारी कार में वायर्ड जो है वो कारप्ले आता है, तो वायर आजकल किसी को भी पसंद नहीं है आज के टाइम पे। तो अगर आपको वायरलेसली कन्वर्ट करना है, मतलब वायरलेस में कन्वर्ट करना है, तो ये वाला प्रोडक्ट जो है वो आप यूज कर सकते हो। तो मैं एक बार आपको इसको अनबॉक्स करके दिखा देता हूँ। तो ऑटोकास्ट कंपनी का ये रहने वाला है, CPA 300 मॉडल है और इसकी जो प्राइसिंग है अगर हम उसकी बात करें पहले तो ये आपको पड़ जाएगा अराउंड अबाउट 8,000 से 9,000 के बीच में, ठीक है। एंड अगर हम वारंटी की बात करें तो इसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की जो वारंटी है आपको एक साल की मिलती है। तो अगर आपको कोई भी इश्यू आता है तो एक साल के अंदर अंदर आप आके ये ठीक करवा सकते हैं। और यहीं पे मैं आप मेंशन कर दूं तो आज हम लोग आए थे कार प्लस में, तो कार प्लस का जो शोरूम है ये पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में है, हमारे घर के पास ही है। तो मैं अपनी गाड़ी के लिए देख ही रहा था, मुझे वायर्ड जो कारप्ले है वो बिल्कुल नहीं पसंद आजकल, तो मैं चाह रहा था कि कुछ एक ऐसी चीज मिले जिसमें मैं यूट्यूब भी चला पाऊं और नेटफ्लिक्स भी चला पाऊं और अपना कंपनी का जो स्टीरियो हेडसेट है वो भी चेंज ना करना पड़े और सब कुछ जो है वो वायरलेसली हो जाए। तो जो पहला प्रोडक्ट है इसमें यूट्यूब और नेटफ्लिक्स तो नहीं है, बट मैं आपको इसको वायरलेसली कनेक्ट करके दिखाता हूं एंड्रॉइड ऑटो से और iOS जो हमारा कारप्ले। बाकी इसकी एक बार पूरी अनबॉक्सिंग दिखा देते हैं हम। तो बॉक्स के अंदर आपको पहले तो ये डिवाइस मिल जाएगा, उसके बाद इसमें ये कुछ इसकी मैनुअल्स वगैरह रहेंगी और इसमें आपको दो टाइप की वायर मिल जाती है। तो अगर आपकी गाड़ी में अगर सिर्फ टाइप सी का पोर्ट है तो आप वो भी कनेक्ट कर सकते हो, तो ये आप देख सकते हो टाइप सी टू टाइप सी भी है इसमें और जो आपका नॉर्मल वाला होता है ये भी है, ठीक है। तो मेरी गाड़ी में जैसे टाइप सी तो है नहीं, तो हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल USB 2 टाइप सी। तो ये जो टाइप सी वाला पोर्ट है ये आपका लग जाएगा यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज यहाँ पे एक बार हम कनेक्ट कर देते हैं, तो USB पोर्ट में आपको बस लगाना है, ठीक है, हमने लगा दिया। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको दिखेगी रेड लाइट, तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है इसलिए ये रेड है, जब ये ब्लू हो जाए तो इसकी पेयरिंग जो है वो ऑन हो जाती है। एंड अभी आप यहाँ पे देखोगे तो रीडिंग USB भी आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो चुका है। तो अब हमारे पास iPhone है, हम iPhone से आपको आज दिखाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखो ब्लूटूथ में जाता हूँ, यहाँ से जाके ब्लूटूथ सर्च करते हैं, तो यहाँ पे आपको ये ब्लूटूथ मिल जाएगा ऑटो BD03 करके जो आपको स्क्रीन पे आ रहा है, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर आपसे पेयरिंग वेयरिंग मांगेगा वो आप कर लेना, ठीक है। इसको कॉन्टैक्ट्स भी अलाउ कर दिए, तो अब ये कनेक्टिंग लिखा आ गया यहाँ पर।
तो ये वन टाइम कनेक्शन है, तो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा लेता है टाइम। तो अभी देखो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया कि आपको कारप्ले इसके साथ यूज करना है, तो यहाँ पे हम यूज कारप्ले कर देते हैं। एंड इसके बाद अब जब आप स्क्रीन पे देखोगे तो जैसे भी आपका वायर्ड कारप्ले भी होता था, अब सेम वो आपका कारप्ले जो है वो इस पे भी चलेगा। तो एक बार इसको पहले कनेक्ट होने देते हैं। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो गाइज, अब हमारा जो कारप्ले है वो चलने लग गया है। एंड ये जो यूआई है ये हमारा वही है जो नॉर्मल वायर्ड में भी आता ही था, जो कंपनी से भी मेरा है वो बिल्कुल सेम यूआई है। एंड इसका आप रिस्पॉन्स भी देखोगे तो ये देखो गाइज बहुत प्यारा है, कहीं पे ऐसा कोई लैग आपको फील नहीं होगा कि आप कोई थर्ड पार्टी चीज यूज कर रहे हो। बाकी इसमें आप वही अपना व्हाट्सएप के जो मैसेजेस है वो पढ़ सकते हो, अपने गाने जो अभी एक्सेस कर सकते हो, यहाँ से देखो आपके गूगल मैप्स चल जाएंगे। तो सारी चीजें सेम है, इस डिवाइस का काम सिर्फ ये है कि आपके वायर्ड स्टीरियो को, वायर्ड कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो को ये वायरलेस में कन्वर्ट कर देगा, और इसकी प्राइसिंग रहने वाली है 8,000 to 9,000 के बीच में। तो हम ये अप्रोक्सीमेटली एक हफ्ते से यूज कर रहे हैं, भैया ने हमें ये टेस्टिंग के लिए दिया है कि आप लगाओ, टेस्ट करो और फिर अपने यूजर्स को बताओ इसका रिस्पॉन्स। तो सेम रिस्पॉन्स है बिल्कुल जैसा पहले चलता था कारप्ले, कोई लैग नहीं है, कुछ नहीं है। अब शुभम सेकंड डिवाइस दिखाते हैं एक बार कि उसमें क्या फर्क है। तो पहले इसको निकाल लेते हैं और अब चलते हैं सेकंड डिवाइस पे, जिसमें आपको कारप्ले और ये सब तो मिलता ही है, और उसके साथ आपको मिलता है यूट्यूब भी और नेटफ्लिक्स भी। तो मोस्टली जो लोग लगवाते हैं एंड्रॉइड स्टीरियोज, उनका जो मेन पर्पस होता है वो होता है यूट्यूब पे वीडियोस चलाना, ठीक है, गाने यूट्यूब चलाना और मैप्स चलाना। मैप हमारा कारप्ले में चली जाता है और यूट्यूब आप इस डिवाइस के थ्रू, तो ये आप देख सकते हो। तो ये डिवाइस है ऑटोकास्ट प्ले टू वीडियो, ठीक है। तो ये इसका जो अगर मॉडल कोड की बात करें तो CPA 400 बोलते हैं इसको, वो 300 था। तो एक बार देख लेते हैं, तो बॉक्सिंग जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है, ठीक है। आपको वही जो सेम वायर्स हैं दो वो मिल जाती हैं आपको, टाइप सी टू टाइप सी एंड नॉर्मल USB टू टाइप सी, ठीक है। तो ये वाली हम यूज कर लेते हैं। उसके अलावा अगर आप बॉक्स देखोगे तो बॉक्स भी आपको बिल्कुल सेम मिलता है, ये आप चेकआउट कर सकते हो ऑटोकास्ट का, ठीक है। एंड अगर बॉक्स की क्वालिटी की भी बात करें तो सही लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार गिरेगा तो टूट जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब हम कनेक्ट कर लेते हैं, फटाफट आपको दिखाते हैं कि कैसा चलता है इसमें यूट्यूब और नेटफ्लिक्स। तो मैंने ये USB से कनेक्ट कर लिया है, यहाँ पे हम फिर से अपना USB पोर्ट में डाल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें फिर से रेड लाइट आ गई है, ये ब्लू होगी, और प्रोसेस जो है वो बिल्कुल सेम है आपका जैसा पहले वाले बॉक्स में था, बट इसमें बस अंदर से यही फर्क है कि इसमें आपको यूट्यूब मिलता है, नेटफ्लिक्स मिलता है और एक दो और चीजें जो मैं आपको अभी इसी में डायरेक्टली दिखाता हूँ। तो ऐसे कुछ ये स्टार्ट होता है, आप देख सकते हो प्ले टू वीडियो करके, और ये अब इसकी पूरी स्क्रीन ओपन हो गई है। और इसमें अब हमें YouTube और Netflix चलाने के लिए हमें हॉटस्पॉट देना पड़ेगा अपना, तो शुभम एक बार हॉटस्पॉट दे देते हैं। और ये जो है ये इसका भी जो प्रोसेस है कनेक्शन का वो बिल्कुल सेम रहता है जैसा पहले वाले में था। तो मेरा ऑलरेडी फोन कनेक्टेड था इसलिए कनेक्ट हो गया है। बाकी यहाँ से जाके आप देख सकते हो, इसमें हम नेटवर्क में जाके इसका वाईफाई ऑन करेंगे और अब हम अपने फोन से इसको हॉटस्पॉट देना पड़ेगा हमें यूट्यूब और नेटफ्लिक्स चलाने के लिए। तो ये गाइस आप देख सकते हो कनेक्टेड लिखा आ गया है। और अब शुभम बता भाई यूट्यूब कैसे चलेगा इसमें। तो ये आप देख सकते हो ये इसका UI है। तो अगर सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ जो कारप्ले जो नॉर्मल चलते थे, यहाँ पे आप देखोगे कारप्ले का आइकन है, आप इस पे अगर क्लिक करोगे तो जैसे भी आपका कारप्ले होता है तो वो नॉर्मली आपका चलने लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमें कनेक्ट करना पड़ेगा ब्लूटूथ के साथ, मैं एक बार आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो वही सिंपल स्टेप से जैसे आप बाकी सब भी कनेक्ट करते ही हो ब्लूटूथ, यहाँ पे आपका नाम लिखा आ जाएगा ब्लूटूथ का नाम, तो वो कनेक्ट करते ही हमारा कारप्ले चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो तो अब यहाँ पे आपका प्ले टू वीडियो आ गया है, तो मैं इसको एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ। सामने लोडिंग हो रही है एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन आ गया कि आपको कारप्ले यूज करना है या नहीं करना। तो यहाँ से मैं इसको एक बार यूज कारप्ले कर देता हूँ। तो अब यहाँ हिसाब चेकआउट कर सकते हो, ये अपना वही नॉर्मल जो कारप्ले होता है वही खुल चुका है, ठीक है। एंड सेम इसकी परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं है, तो इतने पार्ट तक तो कोई फर्क नहीं है, ये तो आता ही था पहले भी, ठीक है। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि इसमें जो एक्चुअली में चेंज है वो क्या है। तो यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होगे कि आइकन है कार करके, तो इसको अगर आप क्लिक करोगे तो हम इस वाले मेन्यू पे अब आ गए हैं गाइस। तो मैं यूट्यूब पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूट्यूब का जो UI है वो सारा आ गया है।
ठीक है। तो ये जो भी लोडिंग टाइम वगैरह है ये बेसिकली हमारा इंटरनेट की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने हॉटस्पॉट दिया हुआ है, इसमें खुद की मेमोरी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है। तो ये जो सारा लोडिंग टाइम जो आपका आ रहा है ये सारा इसलिए दिख रहा है क्योंकि हमारा जो नेट है वो कंपैरेटिवली स्लो थोड़ा चलेगा। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पे सारी जो वीडियोज हैं प्रॉपरली आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो मैं वीडियो जो है एक अपने चैनल की चला के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो हम गए, हमने यहाँ पे लिखा इट्स अबाउट मशीन्स, तो यहाँ पे हम अपने चैनल में आ चुके हैं। एंड यहाँ पे आके आप चेकआउट कर सकते हो अपनी टियागो ईवी की वीडियो चलाते हैं। बाकी इसमें एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि स्क्रीन जो अभी आप देख रहे हो कि सेल्टोस में आपने देखा होगा जो हमारी स्क्रीन है वो थोड़ी रेक्टेंगल शेप में आती है, तो इसको अगर हम फुल स्क्रीन भी कर देते हैं तो ये इतने ही पार्ट में आपकी विजिबल होगी, थोड़ा सा साइड का पार्ट इसमें रह जाता है। यही अगर आपकी स्क्रीन जो है वो थोड़ी सी स्क्वायर शेप में होगी तो आपका सोनेट में आती है, जो तो आपका एज टू एज फिर ये चल जाएगा यूट्यूब। पर अगर आप इसकी क्लैरिटी पे देखो तो गाइज आप यहाँ पे देखो चेकआउट करोगे तो प्रॉपर जो यूट्यूब है ये चल गया है, आपको वही सारे ऑप्शन मिल जाते हैं जो यूट्यूब में मिलते हैं। यहाँ से आप अपना रेजोल्यूशन भी जो है वो आप चेंज कर सकते हो, आपको जैसे 180 में देखना है या क्या देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप इजिली चेंज कर सकते हो 180p में, ठीक है। तो अब ये तो इसमें मतलब अब जो YouTube जो होता ही है सारा का सारा वही YouTube जो है यहाँ पे वो अब चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही सिमिलरली अगर आप अब देखना चाहते हो Netflix तो एक बार वो भी आपको दिखा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब आप अगर चलाओगे तो यहाँ से आपका चल जाएगा Netflix, ठीक है। ये अपडेट आया हुआ है अभी के लिए, इसको कैंसिल कर देते हैं, बट इसमें आप अपडेट भी कर सकते हो, ये भी एक फीचर है। तो यहाँ पे आके आप अपना साइन इन करके नेटफ्लिक्स देखना आप शुरू कर सकते हो। तो इस वाले मॉडल में आपको दोनों मिल जाते हैं, यूट्यूब और नेटफ्लिक्स, जो कि काफी इनफ होते हैं। मैं पर्सनली सिर्फ यूट्यूब यूज करता हूँ। तो गाइज यहीं पे अगर आप देखो तो आपको मिररिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। जो लोग सोच रहे होंगे कि हमें इनके अलावा भी अगर कुछ और देखना हो तो क्या करें, तो आप सिंपली अपना जो मिररिंग वाला ऑप्शन है वो यूज करके अपना फोन जो है वो आप मिरर कर सकते हो इस पे, और फोन में आपके जो चलेगा वो एज इट इज आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। क्योंकि हम ये एक हफ्ते से यूज कर रहे हैं तो मिररिंग वाला ऑप्शन गाइज इतना सीमलेस नहीं है, मतलब वो थोड़ा लैग ही रहता है और कभी चलता है कभी नहीं, तो ये इसका एक डाउनसाइड है ही कि मिररिंग वाला फंक्शन थोड़ा थोड़ा इसमें लैग करता है। बट आपका यूट्यूब नेटफ्लिक्स और कारप्ले बिल्कुल सीमलेस चलेगा, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहीं पे अगर आप देखो कि आपको अगर कार की जो सेटिंग्स होती हैं जो कंपनी वाली होती है उस पे जाना हो तो यहाँ पे सिंपली आप कार वाले लोगो पे करो और आपका जो कंपनी वाला यूआई होता है वो आ जाएगा, एंड यहीं से आप वापस इसको स्विच कर सकते हो बहुत इजीली। तो ये जो दो डिवाइसेज है इसका दिखाने का पर्पज सिर्फ यही था कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो नहीं चाहते कि अपना जो कंपनी फिटेड स्टीरियो है वो चेंज करें, और कुछ को वारंटी के भी इश्यूज रहते हैं कि हमारी जो वारंटी है कहीं वो खत्म नहीं हो जाएगी। तो गाइस ये सिंपली प्लग एंड प्ले है, आपका वारंटी से इसका कोई लेना देना है नहीं क्योंकि कोई पार्ट जो है वो चेंज हो नहीं रहा, एंड आप सिंपली ये बॉक्स लेके अपना यूट्यूब और नेटफ्लिक्स चलाना शुरू कर सकते हो। तो यही थी गाइस आज की वीडियो, एंड अगर आपको ये डिवाइसेस अच्छे लगे हो और आपको लेने हो तो आप कार प्लस से ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा एंड आप खुद पर्सनली विजिट करके भी आके ले सकते हैं। प्राइसेस हमने आपको बता ही दिया है, चीज पे आपकी वारंटी भी आपको मिलेगी। इसका प्राइस वो हमने नहीं बताया, इसका प्राइस जो है ये हमारे को पड़ेगा अराउंड 11,500 के, तो ये उससे थोड़ा सा ही महंगा है, 3,500-3,000 रुपए, और कम्प्लीटली वर्थ इट अगर आपका यूट्यूब और नेटफ्लिक्स चलता है। तो अगर आपको लेना हो तो आप कार प्लस के शोरूम आए एंड आके आप खुद बात करके ले सकते हो, एंड अगर आपको इसका एड्रेस और मोबाइल की जो डिटेल्स है अगर आपको बात करनी है तो वो भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, एंड आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी होगा इस, तो वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे बहुत सारी जो और भी पार्ट्स है, एक्सेसरीज है, मॉडिफिकेशंस है, कार रिव्यूज है, वो हम टाइम टू टाइम लाते रहेंगे आप सबके लिए। तो बहुत सारे लोग जो है चैनल पे आके वीडियोस देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर लो, हमें इससे खूब मोटिवेशन मिलती है एंड आगे भी हम ऐसे ही काम जो है कंटिन्यू करके रखेंगे। तो मिलते हैं गाइस ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।